अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नौशीन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मटन कोफ्ते की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आधा किलो हमने मटन लिया है जिसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और एक टेबल स्पून के करीब हमने मटन का फैट लिया है। 6 हरी मिर्च ली है, मुट्ठी भर हरा धनिया और मुट्ठी भर पुदीना लिया है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है हमने, इसे कट कर लिया है। 7 जो है लहसुन के लिए है, 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च को रफली कट कर लिया है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और नमक लिया है। गार्निशिंग के लिए हमने आधी शिमला मिर्च ली है, आधा प्याज लिया है और 1 नींबू लिया है। 1 चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर और 1 चुटकी काला नमक लिया है। मटन के साथ हम इन तमाम चीज़ों को चॉपर में पीस लेंगे, अच्छा सा कीमा बना लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी बना सकते हैं। हमने कोफ्ते का कीमा रेडी कर लिया है, कुछ इस तरह से हमें चाहिए होगा, दरदरा से। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। हमने 3-4 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस साइज़ का हम कोफ्ते का बॉल लेंगे और इसे हाथों में गोल गोल घुमाकर फ्लैट कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा बॉल लेना है क्योंकि ये फ्राई होते वक्त श्रिंक हो जाते हैं। इस तरीके से हमें कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। हमने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। उमूमन तो कोफ्ते गोल ही होते हैं, लेकिन हमें पर्सनली फ्लैट कोफ्ते अच्छे लगते हैं। आपकी पसंद है, आप चाहे तो गोल भी बना सकते हो। सबसे पहले हम एक पैन को गर्म कर लेंगे। 3 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल भी शामिल कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम कोफ्ते भी ऐड कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे। पहले 2-3 मिनट बिल्कुल टच नहीं करेंगे। गैस की फ्लेम थोड़ी हाई कर लेंगे और 2 कोफ्ते और ऐड कर लेंगे क्योंकि कोफ्ते काफ़ी श्रिंक हो गए हैं, तो स्पेस यहाँ पर है कोफ्ते के लिए। कोफ्ते फ्राई होते हुए काफ़ी सारा मॉइस्चर रिलीज हो गया है। अब हम फिर से इसे पलट देंगे। फ्लेम हाई ही रखेंगे। अब हम इन्हें भी पलट देंगे। एक तरफ हमने चटनी भी रेडी कर ली है पुदीने की। तकरीबन 10 मिनट हमने इसे अलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते डन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। वन टेबल स्पून ऑयल हमने ऐड कर लिया है, अब हम वेजेस भी ऐड कर देंगे। बस 1 मिनट तक हम इसे सॉटे कर लेंगे।
साथ ही फिर से हम ये कबाब ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। काला नमक और ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर लेंगे, फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। एक मिनट हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते सर्विंग के लिए रेडी है। अब हम सर्व करके दिखाते हैं। थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। लेमन के पीसेस भी गार्निश कर लेंगे। कुछ पुदीना के पत्ते भी ऐड कर लेंगे। पिसी हुई हमारी पुदीने की चटनी भी हम सर्व कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जूसी बने हैं हमारे कोफ्ते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते सर्विंग के लिए रेडी हो गए हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, हमारे मटन कोफ्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।